और आइए आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। आज महाराष्ट्र दिवस है और इस मौके पर आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। औरंगाबाद में राज ठाकरे करने वाले हैं एक बड़ी रैली और इस रैली की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में एमएनएस समर्थकों का आना जारी है। यहाँ पर शाम 6 बजे रैली होगी और इस रैली को संबोधित करेंगे एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे। एक तरह से राज ठाकरे का शक्ति प्रदर्शन इसे बताया जा रहा है आज महाराष्ट्र दिवस के मौके पर। साथ ही बाला साहेब ठाकरे के बाद हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर अपने आप को सामने रखना चाहते हैं राज ठाकरे, और उसी से जुड़े हुए पोस्टर भी औरंगाबाद में जगह जगह लगाए हुए हैं एमएनएस पार्टी। चलिए सीधा चलते हैं अपने रिपोर्टर्स के पास औरंगाबाद में, जहां ये रैली होगी उसी जगह से जिया शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं और जितेंद्र दीक्षित भी वहीं मौजूद हैं। जितेंद्र, जैसा कि मैंने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर सामने आना चाहते हैं राज ठाकरे, क्या ये एक तरह की डेस्परेशन है? क्योंकि अब जो मराठी मानुस का मुद्दा था वो तो ज्यादा आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं, तो कम से कम हिंदुत्व के मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठा लें। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं जिया। इस वक्त महाराष्ट्र का सियासी तापमान काफी चरम पर है। अगर मौसम की बात करें तो इस वक्त महाराष्ट्र में 40 डिग्री सेल्सियस तक तापमान जा रहा है और इसी के साथ साथ सियासी तापमान का पारा भी काफी चढ़ा हुआ है। आज मैं औरंगाबाद में जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर शाम को 6 बजे राज ठाकरे की रैली होने वाली है। करीब 7:30 बजे तक इस मंच पर राज ठाकरे प्रकट होंगे और सबकी नजरें इस बात पर लगी हुई है कि आखिर राज ठाकरे क्या कहने वाले हैं। दरअसल ये सभा इसलिए अहमियत रखती है क्योंकि 2 दिनों बाद ही यानी 3 मई को राज ठाकरे का वो अल्टीमेटम खत्म हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर मस्जिदों से लाउडस्पीकर को नहीं हटाया गया तो फिर उनके कार्यकर्ता मस्जिदों के सामने लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा बजाने लगेंगे। ये एक बात है। दूसरी अहम बात यह है कि ये रैली जो है मराठवाड़ा इलाके में हो रही है, औरंगाबाद में हो रही है, वो एक पैटर्न के तहत किया जा रहा है। जिन जिन ठिकानों पर शिवसेना का दबदबा रहा है, पहले उन्होंने पहली रैली मुंबई में की, वहां पर शिवसेना का दबदबा है, दूसरी रैली उन्होंने थाने में की और तीसरी रैली औरंगाबाद में कर रहे हैं। औरंगाबाद भी शिवसेना का गढ़ माना जाता रहा है और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि राज ठाकरे अपने आप को शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाला साहेब ठाकरे के तौर पर के नए बाला साहेब ठाकरे के तौर पर वो पेश करना चाहते हैं और सब कुछ उसी तरीके से उन्हीं की स्टाइल में, जिस तरह से वो हिंदुत्व के पोस्टर बॉय थे, ये भी अपने आप को हिंदुत्व का पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं। बाला साहेब ठाकरे के सामने तमगा लगता था हिंदू हृदय सम्राट का, तो इसी तरह से ये भी अपने कार्यकर्ताओं से खुद को हिंदू जननायक कहला रहे हैं। जितेंद्र, आपने इस रैली के पीछे का जो राजनीतिक महत्व है वो हमें समझा दिया, लेकिन वो अचीव करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए जिया, आज की रैली का एक तरह से सक्सेसफुल होना बहुत जरूरी है, तो उसके लिए क्या तैयारियां हैं इस मैदान में, पहले तो वो दिखाइए। और दूसरा, मेरे ख्याल से 15,000 कुर्सियां लगाई गई हैं, अब शिवसेना का दावा है कि उनमें से आधी से ज्यादा खाली होने वाली है। ABP News, आपको रखे आगे।